नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल 5 मिनट आयुर्वेदा में, और मेरा नाम है जोगिंदर। दोस्तों आज आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे ऑयल के बारे में जिसके लगाने से आपके बालों की झड़ने की समस्या, डैंड्रफ की समस्या, बाल सफ़ेद होने की समस्या, या आपके बाल दो मुँह हैं, या आपके बालों में जो धूल मिट्टी फंस जाती है, आपके सिर में खुजली हो जाती है, ये सभी समस्याएँ ठीक हो जाएंगी। आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा बेहतरीन तेल के बारे में जो आपकी सभी समस्याएं ठीक कर देगा बालों की। और ये तेल थोड़ा सा महंगा है लेकिन आपके हजारों रुपए बचा देगा। दोस्तों आपको सबसे पहले बता दूं आपके बाल खराब क्यों होते हैं। आपकी जो डाइट है उसके अंदर आयरन और कैल्शियम की मात्रा कम है, आप जो खाना खाते हो, खाना खाने के बाद पानी पीते हो, उस कारण से भी आपके बाल झड़ते हैं, सफ़ेद होते हैं और टूटते हैं। और आप ये सोचकर कि अगर मैं ज़्यादा शैम्पू या ज़्यादा साबुन का इस्तेमाल करूँगा उससे मेरे बाल बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे, बाल बिल्कुल साफ सुथरे हो जाएंगे, तो ऐसा ज़्यादा दिन करने से आपके बाल जड़ों से बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं। और जब बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं तो आपके बाल झड़ते भी हैं, टूटते भी हैं। ज़्यादा शैम्पू या साबुन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और दोस्तों आप बालों को बेहतर बनाने के लिए गाजर का सेवन करें, आप चीकू खाएँ, आप पपीता खाएँ, आप अनानास खाएँ, आप केले खाएँ, और जिन फलों में सबसे ज़्यादा आयरन और कैल्शियम है आप उन्हें रोज़ाना अपनी डाइट में शामिल करें। बस इतना करने से आपके बालों की लगभग सभी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। अगर आपकी डाइट बिल्कुल बेहतर है तो आपके बालों की जितनी भी समस्याएं हैं वो ठीक हो जाएंगी। 70-80% इफेक्ट पड़ता है जब आपकी डाइट कम है, यानी जो डाइट आप ले रहे हो उसके अंदर न्यूट्रिशन कम है, उस कारण से आपके बाल झड़ते हैं। और उसके बाद आती है बात ऑयल की, तो अगर आप ऑयल बेहतर यूज़ करोगे तो भी आपके बालों की समस्याएँ ठीक हो जाती हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑयल के बारे में और आपको इसको कैसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों मैं जिस ऑयल की आपसे बात करने जा रहा हूँ उस ऑयल का नाम है जैतून का तेल, यानी जो फिगारो कंपनी है इसका आपको ओलिव ऑयल मिलेगा। ये 92 ml है, ये 100 रुपये में आपको मिल जाएगी। दूसरा आपको चाहिए कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल, ये आपको 40-50 रुपये की एक छोटी शीशी मिलेगी। और तीसरा आपको चाहिए नींबू, नींबू उसे इस्तेमाल करना है जिसके बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और बहुत पुरानी है। आपको सिंपली करना ये है, आप एक छोटी कटोरी लें, उसके अंदर आप 2 चम्मच इस जैतून के तेल की लें और उस कटोरी के अंदर डाल दें। फिर आपको 1/2 चम्मच से कम ये अरंडी का तेल लेना है, ये वाला कैस्टर वाला। फिर आप ये 1/2 चम्मच उस कटोरी के अंदर इस ऑयल को डाल दें, दोनों को बिल्कुल अच्छे से मिला दें। अच्छे से मिलाने के बाद रात को खाना खाने के बाद सोने से पहले आप इस तेल की मसाज अपनी उंगलियों की मदद से अपने बालों की जड़ों में मसाज करोगे इन दोनों तेलों की, तो आपके बाल झड़ना रुक जाएंगे 3-4 दिनों में। और बालों की सफ़ेद होने की, झड़ने की, टूटने की, दो मुहे बालों की, आपके बाल कमज़ोर हैं, आपके बाल लंबे नहीं होते, या डैंड्रफ की समस्या भी है, या इन्फेक्शन भी अगर हो गया है, वो सब का सब ठीक हो जाएगा इन दोनों तेलों के लगाने से। दोस्तों जो ये जैतून का तेल है, जैतून का तेल आपके बालों को स्मूथ बनाता है, शाइनी बनाता है, आपके बालों को काला करने में मदद करता है। जैतून के तेल को तरल सोना कहा गया है, यानी ये जो तेल है ये सोने का है। तो इस तेल के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। आप मार्केट से कोई भी ऑयल लोगे उसके अंदर दुनिया भर की मिलावट है और उसे फिल्टर कर करके इतना ख़राब कर देते हैं, उसके अंदर कोई गुण नहीं बचता। जो ये तेल है ये तेल बिल्कुल प्योर है और ये तेल सबसे बेहतर है। थोड़ा सा महंगा मिलेगा लेकिन आपके पैसे 100% वसूल हो जाएंगे। और दोस्तों अगर किसी के सिर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो उसे क्या करना है, आप थोड़ा सा तेल लें और नींबू को काट कर उसकी 1-2 बूंदें उस तेल के अंदर मिला दें। मिलाने के बाद उस तेल की मसाज आप अपने बालों में करेंगे तो डैंड्रफ की समस्या मात्र एक बार लगाने से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दोस्तों तो ये दोनों तेल हैं, जब आप इन दोनों तेलों को लोगे, आप अपनी हथेली पर दोनों तेलों को रखोगे तो ये तेल बहुत ही ज़्यादा गाढ़े हैं, जैसे शहद होता है तैसे हल्के से ही कम गाढ़े हैं। तेल जितना गाढ़ा होगा वो तेल उतना ही बेहतर होता है। दोस्तों आपको एक और नुस्खा बताता हूँ, अगर किसी के बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं तो वो क्या करें, उन्हें सिंपली करना ये है 1-2 चम्मच आप जैतून का तेल एक कटोरी के अंदर डाल दें, फिर 1-2 कली आप लहसुन की लें, उन्हें छील कर हमाम दस्ते में कूट कर आप उन्हें तेल के अंदर मिला दें। लहसुन की कलियों को तेल के अंदर डुबा कर रात भर रखा रहने दें और सुबह होने पर
आप उस तेल को जिसके अंदर आपने लहसुन की कलियां डाली हैं, आप उंगलियों पर उस तेल को लें और अपने बालों की जड़ों में मसाज करेंगे, आपके बाल बहुत तेजी से झड़ना रुक जाएंगे, आपके बालों की जो थिकनेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आपके बालों को काला बनाने में बहुत ज्यादा मदद करता है लहसुन और जैतून का तेल। आपको मैंने तीन नुस्खे बताए हैं। पहले नुस्खे में आपको जैतून के तेल को नींबू का इस्तेमाल करने है डैंड्रफ को ठीक करने के लिए, बालों को लंबा घना मजबूत काला बनाने के लिए आपको जैतून का तेल और अरंडी के तेल का इस्तेमाल करना है, और बालों को मजबूत घना और लंबा बनाने के लिए आपको जैतून का तेल और लहसुन का इस्तेमाल करना है। आप इन तीनों टिप में से कोई एक टिप का इस्तेमाल करें अपने बालों को घना लंबा और मजबूत बनाने के लिए। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और साथ के साथ जो सब्सक्राइब का लाल बटन है आप उसे ज़रूर दबाएं। सब्सक्राइब करने से आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। समस्या सुझाव और समाधान के लिए आप कमेंट ज़रूर करें और मुझे इतना ज़रूर बताएं मुझे नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर बनानी है। और दोस्तों मैं जल्द ही मिलता हूँ आपसे मेरी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।